अमेरिका के वॉशिंगटन से बड़ी खबर, जहां अमेरिका में भूकंप आया है, अमेरिका में धरती हिली है। वॉशिंगटन से खबर जहां सुनामी का खतरा भी वैज्ञानिक व्यक्त कर रहे हैं। बता दें आपको, अमेरिका के अलास्का में पेरीवल से 91 किलोमीटर पूर्व दक्षिण में तगड़े भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 8.2 आंकी गई है, और ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, किसी घर में सीसीटीवी लगा हुआ था और उसका फुटेज सामने आया है। 8.2 तीव्रता पर ये रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता रही। फिलहाल किसी के जानमाल के कोई नुकसान की खबर नहीं है। भूकंप के बाद तटीय इलाकों में सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। अमेरिका के अलास्का पेंसिल्वेनिया में बुधवार रात भयानक भूकंप के झटके महसूस किए गए, और इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 8.2 बताई जा रही है। यह झटके इतने तेज थे कि इनके बाद सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है, और झटकों के कारण भयानक तबाही की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल किसी के जानमाल के कोई नुकसान की खबर नहीं है। ये तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि भूकंप कितना जोरदार, उसकी तीव्रता 8.2 बताई जा रही है। भूकंप के बाद जो तटीय इलाके हैं, समुद्र से लगे जो इलाके हैं, जो शहर हैं, वहां पर सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने रात 12:45 सतह के 35 किलोमीटर नीचे से बताया जा रहा है जो रिकॉर्ड किया है। बता दें आपको, इसका असर केंद्र से कई दूर हुआ है। अमेरिका के मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक कम से कम 2 और झटके इस भूकंप के बाद आए हैं, जिनकी तीव्रता 6.2 और 5.6 बताई गई है। पिछले 6-7 दिनों में इस इलाके के 100 मील के अंदर 3 की तीव्रता से ज्यादा भूकंप कभी नहीं आया, लेकिन एकाएक भूकंप 8.2 बताया जा रहा है तीव्रता। हालांकि भूकंप के झटकों के बाद दक्षिण अलास्का और पेंसिल्वेनिया, साथ ही अलग अलग जो टापू हैं, समुद्र से सटे जो शहर है, वहां पर सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के पश्चिमी तट पर होने वाले नुकसान का अभी आकलन किया जा रहा है।